हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज, आज के वीडियो में हमें स्प्लिट्स विला सीजन 14 में कौन कौन से कंटेस्टेंट है जो कि हमें आइडियल मैच देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको भी जानना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और कहीं से पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और बात करते हैं सबसे पहले कपल की जो कि हमें आइडियल मैच देखने को मिलेंगे, तो वो होने वाले हामिद और सौंदर्स। हामिद और सौंदर्स किसी और के पास कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये दोनों स्टार्टिंग से ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे और ये एक फर्स्ट आइडियल मैच हमारे बन सकते हैं, और बहुत ज्यादा चांस यही है कि यही हमारे फर्स्ट आइडियल मैच होंगे। तो बात कर लेते अपने सेकंड आइडियल मैच की, जो कि हो सकते हैं जस्टिन और साक्षी। तो भाई, ये दोनों भी सेम हामिद और सौंदर्स की तरह हमें देखने को मिलने वाला है, मतलब कि ये आपस में ही सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे, और दोनों के दोनों डांसर है, और शायद चांस ये भी है, और चांस ये भी है कि दोनों की जान पहचान हो बाहर, क्योंकि दोनों के दोनों डांसर है। तो यहाँ पे चांस हो सकता है कि ये दोनों हमें सेकेंड आइडियल मैच देखने को मिल जाए। थर्ड आइडियल मैच की बात की जाए तो वो कशिश का आइडियल मैच हो सकता है, कशिश का उर्फी के साथ हमें आइडियल मैच देखने को मिल सकता है। अब भाई, कशिश का कनेक्शन ऐसा नहीं कि सीधा उर्फी के साथ ही बनेगा, इससे पहले उसका आकाश लीना के साथ भी कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। और चांस ये है कि वो उर्फी के साथ आइडियल मैच बन सकते हैं, क्योंकि वो उर्फी के साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और कशिश को आइडियल मैच मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, वो भी एक आइडियल मैच बन जाएंगे। और अब ये कन्फर्म नहीं है कि वो उर्फी ही होगी या कोई और, पर चांस ये ज़्यादा है कि वो उर्फी के साथ आइडियल मैच बन सकते हैं। तो कशिश के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कि वो किसके साथ आइडियल मैच बन सकते हैं। बात कर लेते अपने फोर्थ कंटेस्टेंट की, जो कि हो सकता है तारा। तो भाई, तारा का सभी को पता है कि वो हमें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देखने को मिलने वाले हैं, और इनका आइडियल मैच भाई अभी गैस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तारा स्प्लिट्स विला के अंदर एंट्री नहीं किए हैं, और प्रोमो के अंदर भी वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्प्लिट्स विला में नहीं आएंगे, वो आएंगे ज़रूर आएंगे, और उनका एक आइडियल मैच भी होगा, क्योंकि भाई ये बहुत टक्कर देने वाले सभी कंटेस्टेंट को, तो इनका ऑब्वियस सी बात है आइडियल मैच ज़रूर होगा। बात कर लेते अपने फिफ्थ कंटेस्टेंट की, तो यहाँ पे मैं नाम लूंगा जोशुआ का। और जोशुआ का मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आइडियल मैच बनेंगे, लेकिन हर सीजन में एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है ना जो कि ओरेकल के सामने सबसे ज्यादा बार जाता है, मतलब कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ओरेकल के सामने जाता है, लेकिन वो आइडियल मैच नहीं बन पाता है। तो सेम वही सीन हमें जोशुआ के साथ भी देखने को मिलेगा, मतलब कि वो ओरेकल के पास तो बहुत टाइम बार जाएगा, 2 से 3 बार आप कह सकते हो, लेकिन वो आइडियल मैच नहीं बन पाएगा। और भाई, बाकी कंटेस्टेंट की बात की जाए तो उनमें अभी ज्यादा प्रोमो में उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है और कौन कौन आइडियल मैच बन सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।